गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हैं? आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास टेंथ का पॉलिटिकल साइंस लेसन 6 पॉलिटिकल पार्टीज, और ये लेसन का थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो और कर चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने पढ़े हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दैट मीन्स व्हाट द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पढ़े हुए कंपोनेंट हैं लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर्स, और सारी बातें हम लोग पढ़े हैं वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकेंड में। आज हम लोग वीडियो नंबर थर्ड की बात करेंगे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। चूंकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे पॉलिटिकल पार्टीज में, पार्टी सिस्टम में, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टीपल पार्टी सिस्टम, एंड आई यू नो दैट कि इन आवर कंट्री मल्टीपल पार्टी सिस्टम जो है चल रहा है। तो इसके मतलब बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या होता है, तो हमने देखा कि मल्टीपल पार्टी सिस्टम में सभी पार्टियों को, यानी कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू राइट टू मेक अ पार्टी, देश के सभी नागरिकों को पार्टी बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप नहीं सोचो कि आप क्या बोलते हैं, आप इस कास्ट के हो, इस रिलीजन के हो, इस धर्म के हो, या फिर इस भाषा के हो, इस एरिया से हो, दैट मीन देयर आर नो वेरी डिफरेंसेज बिटवीन डाइवर्सिटीज या अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, दैट मीन्स एवरी पर्सन हैव राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, मेक द पार्टीज, ओके, एंड रन द गवर्नमेंट, सभी लोगों को अधिकार है। उसी में कुछ कैटेगरी किया गया है, कुछ पार्टियां बड़ी होती हैं जो पूरे कंट्री लेवल पे इलेक्शन कंटेस्ट करती है, जबकि कुछ पार्टियां जो होती हैं अपने एरिया में, दैट मीन्स अपनी स्टेट में केवल इलेक्शन जो है कंटेस्ट करती है। तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड एरिया, अकॉर्डिंग टू द एरिया, वी ऑल्सो क्लासिफाइड द पोलिटिकल पार्टीज इन टू मेनली टू ग्रुप्स, नेशनल पोलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पोलिटिकल पार्टीज। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द वन बाई वन, टॉपिक बाई टॉपिक एंड पॉइंट बाई पॉइंट। तो लेट्स वी स्टार्ट टूडे नेशनल पोलिटिकल पार्टीज, ओके, सो यू लिसन केयरफुली एंड वॉच इधर बुक, ओके। देखिए, डेमोक्रेसी दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, पोलिटिकल पार्टीज, पार्टीज दैट आर प्रजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड पार्टीज दैट आर प्रजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, फेडरेशन सिस्टम, फेडरेशन। दैट मीन्स यहाँ पोलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है कि पोलिटिकल पार्टीज कई प्रकार की होती हैं। एक होता है यहाँ पर कि पार्टी दैट प्रजेंट इन वन ओनली वन, यानी कि ऐसा एक पार्टी जो केवल एक ही हो, और ऐसी एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरेशन होता है, इसमें कई सारी पार्टियां भी हो सकती हैं, ओके। दिस इज द एज इन इंडिया एज वेल, और देर आर सम कंट्रीज वाइट पार्टीज, यानी कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहां बहुत सारी पार्टियां होती हैं, देर आर सम कंट्रीज वाइट पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज, यानी कुछ ऐसे भी पार्टियां होती हैं जो कंट्री के कई अलग अलग इलाकों में, कई अलग अलग एरियाओं में, कंस्टिट्यूंसी में जो है इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, उसे बोलते हैं मल्टीपल पार्टी, नेशनल पार्टी जो पूरे राष्ट्र में वर्क करती है। दिस पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन द वेरियस स्टेट, जो नेशनल पार्टियां होती हैं जो पूरे राष्ट्र स्तर पर चुनाव कंटेस्ट करती, इलेक्शन लड़ती हैं, उनके कई अलग अलग छोटी छोटी जो है क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं, इकाई होती है, जो प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक स्टेट में उनका कैंडिडेट होते हैं। बट बाई एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। अभी हम बात करते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, अभी कल यानी कि 28 अक्टूबर को फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, जिसमें 16 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें इलेक्शन हुआ 71 सीट के लिए। मैं भी कल गया था, मतलब वो अपना वोट कास्ट करने, तो उसमें कई सारी पार्टियां, जैसे आपको जानते हैं कि जो सपा है या बीएसपी है, वो यूपी की पार्टियां हैं, फिर भी अपना कैंडिडेट वहां खड़े की थी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टियां कैसी है, नेशनल पार्टी है, वहां भी इसकी यूनिट है, यहां भी इसकी इकाई है। तो ऐसे पार्टी जो एक से अधिक स्टेट में अपनी कैंडिडेट खड़े करे या अपना जो है क्या बोलते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करे, वैसे पार्टियों को बोलते हैं नेशनल पार्टीज। एवरी पार्टी इन द कंट्री
हैज टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। एक बार जान लीजिए, कंट्री के कंट्री में जितने भी पार्टियां हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, नेशनल हो या फिर स्टेट पार्टी हो, सबका रजिस्ट्रेशन जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो, जैसे आप क्लास 9 से जाते हो, आपका नेम कहाँ होता है रजिस्टर्ड? सीबीएसई बोर्ड में होता है। भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे एग्जाम देने हैं। उसी प्रकार पार्टियां जो होती हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में होता है। ओके, व्हाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टी इक्वली, और इलेक्शन कमीशन जो है वो सभी पार्टियों को इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो इलेक्शन कमीशन तो कोई व्यक्ति ही होगा, कमिश्नर जो होगा वो किसी कास्ट का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी एरिया का होगा, ऐसा नहीं कि वो उस धर्म का, एरिया का, कास्ट का फेवर करेगा। उसके नज़र में सभी पार्टियाँ क्या हैं? इक्वल हैं। ओके, और सबको इक्वल का वैल्यू वो देते हैं। इफ ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड इटैब्लिश्ड पार्टी, दीज पार्टीज आर गिवेन अ यूनिक सिंबल, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। पार्टी दैट गेट दीज प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज बाई इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। दैट मीन्स जब लोग इलेक्शन करते हैं तो इन्हें एक स्पेशल सिंबल मिलता है, चुनाव चिन्ह बोलते हैं। इस मान लो कि बीजेपी हमारे कंट्री में है, उसका सिंबल क्या है? लोटस। आपका कांग्रेस है, उसका छाप पंजा है। बीएसपी है, एलिफेंट है, हाथी है। आपका सपा है, साइकिल सिंबल है। हमारे यहाँ आरजेडी है, उसका लैंटेन छाप है। अगर ये जेडीयू है, उसका तीर छाप है। तो मतलब अलग अलग जो सिंबल मिला हुआ है, तो ये सिंबल कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है? तो जो पार्टियां रजिस्टर्ड जाती हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, उन्हें परमानेंट एक सिंबल मिलता है। लेकिन जो लोग, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, जो लोग इंडिपेंडेंटली कैंडिडेट होते हैं, जिसको बोलते हैं निर्दलीय नेता, जो किसी पार्टी का नहीं होते हैं, वो सेल्फ चुनाव लड़ते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता है। उनका भी एडमिशन होता है, नॉमिनेशन होता है, उन्हें भी सिंबल मिलता है, लेकिन वो परमानेंटली पार्टी नहीं बनाते हैं। वो केवल चुनाव कंटेस्ट करते हैं बिना पार्टी का। मैंने कहा ना कि प्रत्येक नागरिक को पार्टी बनाने, चुनाव लड़ने और मेजॉरिटी होने पर सरकार बनाने का अधिकार है। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक जो है व्यक्ति या कैंडिडेट जो निर्दलीय, जो किसी सीट, किसी बड़ी पार्टियों द्वारा सीट नहीं मिलता है, तो ये स्वयं क्या करता है? कैंडिडेट बन के नॉमिनेशन करता है, चुनाव कंटेस्ट करता है, और जितने भी हैं लोग हैं। ओके, तो वैसे लोगों को सिंबल मिलता है। सिंबल का हु प्रोवाइड अ इलेक्शन सिंबल? इलेक्शन कमीशन। ओके, याद रखना आप लोग, हिम्मत का नाम मोदी जी चाहे सीएम चाहे राष्ट्रपति, दंड से पिटाओगे। द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज पार्टी। यानी कि कोई भी पार्टी की जो क्राइटेरिया होती है, किसी पार्टी को, स्टेट पार्टी हो या फिर पॉलिटिकल नेशनल पार्टी हो, उसको उसमें आपको पहचान बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करनी होती है। याद रखना, व्हाट द मिनिमम क्राइटेरिया टू बिकम अ नेशनल पार्टी, टू बिकम अ स्टेट पार्टी, कि हमें नेशनल पार्टी होने के लिए हमें क्या चाहिए रिक्वायरमेंट कि हम नेशनल पार्टी बने? ध्यान देना आप पर। अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड विन्स एट टू लीस्ट 2 सीट ए रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। अगर कम से कम आपको टोटल वोट का अगर आप 6% वोट प्राप्त कर लेते हैं, या फिर 2 सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर जाते हैं, मतलब विन कर जीत जाते हैं, तो आप स्टेट पार्टी के लायक हो जाते हैं। यानी कि आपको स्टेट पार्टी की मान्यता जो है मिल जाती है, ठीक है। और अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन
इन अ फोर सीट एंड विन एटलीस्ट फोर सीट इन द लोकसभा ई रिकॉग्नाइज एट नेशनल पार्टी। यहाँ पर दोनों के बारे में स्पष्ट दिया है कि अगर आपको स्टेट पार्टी बनना है तो कम से कम आपको 6% वोट और 2 सीट आपको जीतना होगा तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और अगर आप 6% वोट और कम से कम 4 सीट यानी कि 4 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी आपको आप जीत जाते हैं तो आपको नेशनल पार्टी की मान्यता मिल जाती है। बात समझे? तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द क्राइटेरिया टू होल्ड अ नेशनल पार्टी या टू होल्ड अ स्टेट पार्टी, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको याद कर लेना। तो आपने देखा कि क्या क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी होने के लिए और क्या क्राइटेरिया है स्टेट पार्टी होने के लिए, तो आप इसको नोट कर लेना नोटबुक में केयरफुली। चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इन द कंट्री इन 2006 के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में ऐसे 6 पार्टियों का नाम है जो नेशनल पार्टी के मतलब क्राइटेरिया में आते हैं। जैसे हम सभी पार्टियों के बारे में वन बाय वन देख लेते हैं, तो बेटा हम आगे चलते हैं, वन बाय वन सभी पार्टियों को देखेंगे। तो आप लोग एक कवर कीजिएगा, ये सब नोट्स बनाइएगा, तो एक चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है, कलम ड्रॉ कर लीजिएगा, उसमें बनाइएगा 5 कलम, लिखिएगा फर्स्ट में नेम ऑफ द पार्टीज, सिंबल ऑफ द पार्टीज, फाउंडर ऑफ द पार्टीज एंड ईयर द फाउंडेशन। ओके, ये 4 पॉइंट लिखिएगा आप, और एक बता दीजिएगा सीरियल नंबर। तो 7 पार्टीज हमारे कंट्री में है जो नेशनल पार्टी ग्रुप में, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको IAITC कहते हैं। इसका जो फाउंडेशन हुआ है, लंच हुआ है 1 जनवरी 1998 को हुआ है, ठीक है। ये इसका जो है लीडर्स हैं ममता बनर्जी जो बंगाल की हैं। ओके, और नेशनल पार्टी कब हुआ, 16 में, देखिए 98 की पार्टी है ये, बनी हुई कब की पार्टी है, 98 की है, लेकिन इसको नेशनल पार्टी बनने में कितना समय लगा, 16 में आके मतलब हुआ है, यानी कि टोटल 18 ईयर्स बाद जो है। उसके बाद फिर इसमें देखेंगे कि इसमें अलग अलग जो पार्टियां होती हैं क्या होती हैं, कि अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, अगर आपस में मतभेद होता है, विचार नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, वे पार्टी को अलग कर लेते हैं, पार्टियों का बंटवारा कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए एक पार्टी हुआ है जो कि आपको इसमें दिया हुआ है कि ऑल इट हैज बीन पावर इन वेस्ट बंगाल, दैट मीन्स यहाँ पर इसको देखना। ओके, और नेक्स्ट आपका है बहुजन समाज पार्टी, जिसको बोलते हैं BSP, मायावती बोलती हैं कभी कभी BSP बहुजन समाज नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज पार्टी है ना। तो अलग अलग जो है इटैलिशमेंट जो हुई है आपको 1984 में हुई है कांसीराम के द्वारा। ओके, और ये मेनली इसका इसमें दिया होगा, एक चीज पढ़ेंगे आप लिखेंगे, इसका मेन मोटिव क्या है पार्टी बनने का, मेन उसका मैनिफेस्टो क्या है, उसकी मेन एम क्या है, अगर आप देखेंगे तो आप ये भी एक लाइन डालेंगे, एक कॉलम और, कि उस पार्टी के बनने का पीछे मेन रीजन क्या था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कांग्रेस इसका, बीजेपी की बात करते हैं, इनका मेन क्या है, सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर ऑफ द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित, आदिवासी, OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। यानी कि इस मेन पार्टी का बनने का मतलब क्या है, जो भी दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो जिसको भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था कि उससे भी पावर होना चाहिए, या उसके भी वो भी कंट्री का एक हिस्सा है तो उसको पास भी क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को डेवलप करने के लिए, ऐसे लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए ये पार्टी का गठन हुआ है, और मेन का लक्ष्य ये है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कौन कौन से मतलब फाउंडर मेंबर्स हैं, या कौन इसके जो है मतलब क्या कह सकते हैं लीडर्स हैं, इसमें इसका नाम दिया हुआ देखना आप लोग, ये कहाँ कहाँ जो चुनाव लड़ती हैं, नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब जो है फॉर्म्ड है उत्तर प्रदेश द्वारा ये पार्टी, इसको देखना आप लोग। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है BJP, भारतीय जनता पार्टी, देखते हैं BJP के बारे में। तो ये फॉर्म्ड हुई थी 1980 को, 1980 ईस्वी में, और ये जो है आपको भारतीय जनता संघ, भारतीय जनसंघ इसका नाम था पहले, क्या
भारतीय जनसंघ था, ये फॉर्म्ड बाय द श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में। जो ये जनसंघ है उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1951 में। जो क्या हुआ बाद में चल के नाम चेंज करके अपना जो है एक पार्टी बनाई बीजेपी के नाम से। और इसका मेन एम क्या है, आप अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन एंशियंट कल्चर एंड वैल्यू, भारत की जो पुरानी परंपरा कल्चर है संस्कृति है उसको बढ़ाने इसका मेन एम है। दैट मीन्स हिंदुत्व को बढ़ाना, हिंदुत्व की रक्षा करना ही इस पार्टी का मेन एम है। तो दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म एंड द अंत्योदय कल्चर नेशनलिज्म हिंदुत्व इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ द इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। यानी कि इसका मेन एम क्या है कि भारत के हिंदुत्व को बढ़ावा देना, उसको प्रोटेक्ट करना और उनका डेवलप करना, इनका मेन एम है। देखिए यहाँ पर वांट्स टू फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द इंडिया, जो अब जाकर पूरा हुआ है मोदी जी के राज में, जम्मू कश्मीर को इंडिया में मिलाना, ठीक है, उसका संविधान अलग ना होकर के एक होना, ये बीजेपी की एक सपना थी जो पूरा हुआ। राम मंदिर बना ये बीजेपी की एक सपना थी जो पूरा हुआ, ठीक है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट में, इसके फाउंडेशन में ये बातें कही गई थी, यानी कि मेन इसका फाउंडेशन इसी वजह से हुआ था, इसी के लिए हुआ था। ओके, यूनिफॉर्म कोड ऑफ फॉर ऑल पीपुल्स लिविंग इन द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ द, पढ़ना इसमें, इसे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो यहां पर जो दिया हुआ है कि अर्लियर लिमिटेड टू द नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू द अर्बन एरिया, द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड द रूरल एरियाज। यानी धीरे धीरे पार्टी जो है अपनी जो विस्तार है वो अलग अलग एरियाओं में करने के साथ साथ देहात क्षेत्र में भी जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। केम टू पावर इन 1998 में जो है ये पावर में आई, सत्ता में आई, अलियर आई द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस जो कि एनडीए गठबंधन के साथ हुई, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी, जिसमें क्या था कई सारी अलग अलग पार्टियां अभी भी एनडीए गवर्नमेंट जो है बिहार में लड़ रही है, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है और रालोसपा है, सॉरी लोजपा, जो चिराग पासवान जो है वहां से जीत कर रहे हैं, और जो आप नाम सुना होगा फिलहाल में उनकी डेट हुई है, किनका, रामविलास पासवान जी की, उनकी पार्टी है लोजपा। तो लोजपा, बीजेपी और जेडीयू और अलग छोटी छोटी पार्टियां जो है गठबंधन करके वहां लड़ रही हैं, उसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। ओके, याद रखना इसको। इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज इमर्ज इन द लार्जेस्ट पार्टी इन विथ 82 मेंबर्स इन 2014 लोकसभा इलेक्टेड, करेंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट इन द एट सेंटर।